नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। सदन में राहुल गांधी ने किया दावा, कहा मेरे खिलाफ चल रही है छापेमारी की प्लानिंग, ईडी को चाय बिस्किट मेरी तरफ से। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा, अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में हाईकोर्ट ने एसयूवी कार चालक की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे किया अरेस्ट, दिल्ली पुलिस ने मांगी माफी। केदारनाथ धाम में अभी भी मौसम खराब, अब तक 700 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। वायनाड, राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस ने वायनाड में 100 घर बनाने का की घोषणा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि केरल में पहले किसी भी क्षेत्र में ऐसी त्रासदी नहीं देखी। हिमाचल प्रदेश के समेज में कुदरत के कहर से पूरे गांव का नामो निशान मिटा, एक स्कूल के 9 छात्र हुए लापता। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने इसराइल जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, मिडिल ईस्ट में बन रहे जंग के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला, पौन की लास्ट लोकेशन से ढूंढी जा रही लाशें, अब तक 318 मौतें, 206 लोग लापता। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी भी 293 अंक गिरा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा विजय शंखनाद रैलियां करेगी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से 4 अगस्त को होगी। दरअसल सीएम सैनी पूरे प्रदेश में इन विजय शंखनाद रैलियों में भाजपा के प्रमुख चेहरे होंगे। वहीं रैली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, सभी मंत्री और भाजपा विधायक भागीदारी करेंगे। बताते चले कि प्रदेश में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। भाजपा ने इन सभी रैलियों को 10 सितंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं रैलियों के आयोजन और व्यवस्था की जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार वेदी, कार्यालय प्रमुख वे प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। दरअसल कांग्रेस ने वीरवार को एक ही दिन में 2 कमेटियों, चुनाव रणनीति समिति और चुनाव स्क्रीनिंग का गठन किया है। कमेटियों में माकन, हुड्डा, शैलजा समेत 45 नेताओं को शामिल किया गया है। बताते चले कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का चेयरमैन पार्टी ने अजय माकन को बनाया है, जबकि मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवाड़ी और श्रीनिवास बीवी को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। बताते चले कि इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जोर शोर से जुट गई है। ये कमेटी ही उम्मीदवारों का पैनल फाइनल करेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि प्रदेश में अक्टूबर के महीने में चुनाव प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव करवाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। हरियाणा में एक बार फिर मानसून हवाएं सक्रिय हो गई हैं। 24 घंटे में हरियाणा में भारी बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे में औसतन 60 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगस्त महीने में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मानसूनी हवाएं जोर पकड़ रही हैं, जिसके कारण अगस्त में हरियाणा में भारी बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकांश जिलों में बारिश होगी। 15 से 8 अगस्त के बीच मानसून फिर जोर पकड़ेगा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतने के बाद सरबजोत गांव धीन पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सरबजोत का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही आसपास के लोग आकर सरबजोत को बधाई देने पहुंचे। ग्रामीण वे
स्वजनों का कहना है कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि एक गांव से निकला शूटिंग खिलाड़ी सरबजोत आज दुनिया में देश प्रदेश में नाम चमका रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों को लेकर पत्रकारों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जल्द सोनीपत दौरे को लेकर कहा कि भाजपा जनता से अपील करेगी कि हरियाणा में दिल्ली वे पंजाब जैसे हालात ना बने। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र सबके सामने है, ये जिस प्रकार बयानबाजी करते हैं वे सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। मोहनलाल ने कहा कि साल 2014 के बाद भाजपा ने योजनाओं के तहत कांग्रेस से 3 गुना राशि बढ़ाकर लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा ये बताए कि कांग्रेस के राज में खिलाड़ियों को कितने मेडल लाते हुए देखा गया, जबकि भाजपा के राज में खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल ला रहे हैं। चाहे हम ओलंपिक की बात करें या पैरा ओलंपिक की, पैरा ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने मेडल जीत कर शुरुआत कर दी है। भाजपा खिलाड़ियों को हमेशा मेडल के लिए प्रोत्साहित करती रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।